बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये है वॉइस तफरी पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वालों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, और जनाब मेरे पेट्रंस का और आदिल राजा के पेट्रंस का बहुत शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम अपना जिहाद जारी रखें। जनाब आपके हर दिल अजीज लाइव फ्रॉम From the UK, Major Retired Adil Raja. Adil Raja sahab, Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sir. Waalaikumsalam sir. बस मैं ट्वीट ही कर रहा था कि going live with Sir Adil Mehdi इस चैनल on YouTube, ताकि आप लोग जो है ज्वाइन कर लें। आई एम श्योर कुछ देर के अंदर जो है सर लोग जो है वो ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ट्वीट अपने चैनल से भी कर दी है। कैसे हैं सर? ठीक हैं, खैरियत से हैं सर। स्पेशल जो है बकायदा तौर के ऊपर एक इंटरनेशनल गैंग बना के टारगेट किया जा रहा है मुझे और आपको। अच्छा, जिसमें मिन्नत की है कि मिन्नत तल्ला जो है वो वॉशिंगटन में भी डाला गया है और लंदन में भी डाला गया है कि इनको चुप करा लो, इलेक्शन हमें करवाने दो, कुछ भी करो, इलेक्शन तक इनको जो है ना सप्रेस करो। अभी आपका और मेरा शो ऑन एयर जाता है तो सर वो जो है ना इंटरनेट की स्पीड भी जो है और यूट्यूब की स्पीड भी कम कर दी जाती है। तो ये डफर्स अपनी पूरा जोर लगा रहे हैं इलेक्शन प्री पोल रिगिंग के लिए सर। आप सिक्योरिटी स्केयर भी क्रिएट कर रहे हैं, आपने देखा ही है। लेकिन सर हम तो जो कर सकते हैं वो करेंगे, आवाज़े हक हमने बुलंद करनी है, हम करते रहेंगे सर। सर आदिल, कितना अजीब ये माजरा है कि मेरी और आपकी इनफरादी तौर पर, जाती तौर पर कोई हैसियत ही नहीं है। मैं मतलब ऑनेस्टली, मैं विद ऑल ह्यूमिलिटी में कहता हूँ, कोई हमारी हैसियत नहीं है, हमारा कोई सियासी मकाम नहीं है, कोई हम कोई बहुत बड़े पाया के ऊंचे कोई लीडर नहीं है, कोई हमने कोई 20-25-30 साल सियासत नहीं की, कोई कारोबार नहीं, कोई अरबपति करोड़पति नहीं है। लेकिन आप सोचिए अल्लाह सुभान व तआला की जात को आप देखें, अल्लाह सुभान व तआला की हिकमत देखें कि पता नहीं किस वजह से मेरे जैसे इंतहाई गुनाहगार आदमी, आपका मुझे नहीं पता कि हमें जो है ना इस काम में सर, मैं भी आपके साथ आपसे ज्यादा ही गुनाहगार हूं सर। तो ये लोगों को जो है ना, मैं जब कभी सोचता हूँ, और बिल्कुल आप सही फरमा रहे आदिल, इतनी ज्यादा कोशिश है आइसोलेट करने के लिए, लोगों को दूर करने के लिए, सहाफियों को दूर करने के लिए, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को दूर करने के लिए, जो कानूनदान हैं, लॉयर्स हैं, वकील हैं, जो आते हैं जिनका कोई सियासत से नहीं, मैं उनसे जब मशवरा करता हूँ वो कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, मेहदी साहब आपके पास आना तो ऐसे है कि फांसी का फंदा अपने लिए तैयार कराओ, हम नहीं आ सकते, माजरत चाहते हैं। 50-50, 60-60 साल पुराने दोस्त जो है वो बेचारे कहते हैं फोन तेरा बजता है तो ऐसे लगता है कि आग के शोले निकल रहे तो बेचारे देखिए सर, ये जो फाइट होती है ना, लड़ाई होती है या गुलामी ना मानने वाली सरकशी होती है या जान की बाजी लगा देने वाली जो हिम्मत होती है, ये खून में शामिल होती है सर। अगर है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। फिर मतलब कि एक आपके माशरे के हमेशा से तबके, एक आपकी कंडीशनिंग हुई है ओवर सेंचुरीज, एक कंडीशनिंग हुई है, एक वॉरियर लॉट एक ब्लड के अंदर है जो गुलामी नहीं मानते, जो वो कहते हैं कि हम कोई गुलाम है इमरान खान जैसे, वो लड़ पड़ते हैं, तो वो सब खून के अंदर चीज होती है, वो अंदर डाली नहीं जा सकती। एक मेजोरिटी ऐसी आपकी जिनको वो उनकी जनरेशन टू जनरेशन ये हुई है कि भल जो भी है लेट जाओ उसके आगे, अपना काम निकालो, जिंदगी पूरी करो, जाया ही होती है जिंदगी, क्योंकि माल पानी आप जो कमा के जाते हो वो आपकी औलाद पीछे जाया करती है सारे का सारा। सर आपने कौन सा कितने लोगों को देखा है जिनके जो औलाद खराब होती है माँ पे होके, या जब जो है वो बड़ों के छोड़े हुए माल के ऊपर खराब हो रही होती है, वो इक्का भी दाना ठीक निकलता है। कुछ लोग होते हैं जो बेचारे जो भी है बस आंखें बंद करके, ना कि कोई भी चीज नहीं है, बस टुकड़ों की खातिर जो है वो गुलामी कबूल करते हैं। तो ये खून में शामिल है चीज सर, इसको आप यू कैन नॉट डिफाइन इट डिस्क्राइब इट किसी में जबरदस्ती डाली नहीं जा सकती। अलबत्ता जज्बा शोक पैदा जरूर किया जा सकता है, और वो जज्बा और शोक जो है
उसके लिए हर कोई अपनी कैपेसिटी में रह के काम जरूर कर सकता है। इसलिए अल्लाह पाक को भी ये बात पता है, उसने भी दर्जे रखे हैं कि यार अगर तुम्हें लड़ नहीं सकते हो, हाथों से नहीं लड़ सकते हो, तो फिर जो है वो कलम से लिख लो, लिख नहीं सकते हो तो मुंह से बोल लो, बोल नहीं सकते हो तो दिल में तो बुरा समझो। यहाँ पे तो सर कुछ लोग ऐसे भी जो हैं जो अच्छा दीदानमन, अब मैं आपको सॉरी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ आपका ये जो है लाइव स्ट्रीम सेशन, आई एम रियली सॉरी। मैं चाह रहा था थोड़ा सा लोड हो जाए, बार बार वो चल रहा है, अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा जरा उसको थोड़ा बहुत डाउनलोड हो जाए तो फिर आपके साथ शेयर करना ज्यादा आसान होगा। और साथ आपको ये भी मैं तसल्ली देना चाह रहा था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके साथ मौजूद हूँ, आपके तमाम कमेंट्स देख रहा हूँ, आपका आपकी मोहब्बतें देख रहा हूँ, बेतहाशा मोहब्बतें देख रहा हूँ, बट्टों की मूंगियां छोड़ के आपकी मोहब्बतों को सलाम है, थैंक यू सो वेरी मच। मतलब आप लोग जिस तरह की बात करते हैं, मैं तो जो है वो रियली आई एम रियली ऑनर्ड हम्बल्ड, और आपकी सपोर्ट की वजह से आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड। मैं दरमियान में सिर्फ एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा इसमें बिफोर वी गो बैक टू द लाइव स्ट्रीम। ये जो इस वक्त पटवारियों से एक वो इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिख दिया है तो इनको जो है मुसीबत पड़ी हुई है, और इसहाक डॉलर साहब जो इस किस्म के मुंशी हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, ये वो पुराने जमाने के इकोनॉमिस्ट हैं जिसमें खुद जो है वो ब्लूमबर्ग टाइप या फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर अखबार में दिखवा के आर्टिकल्स जबरदस्ती है, जब आए अपनी परफॉर्मेंस इसी तरह ने दिखाई है, 10 करोड़ रुपया, 10 अरब रुपया जो है 10 इन्होंने दे के इन्होंने जो है $10 मिलियन पर डे का कर्जा लेके नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत चलाई 2013-17 तक, और ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा 30 बार खान है। उसके बाद शोबाज शरीफ ने आके तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने इसके ऊपर डिटेल प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स के साथ शेयर किया हुआ है बाकायदा तौर के ऊपर, और इससे पहले अगर आप मेरे ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं, मैंने आपको ये बाकायदा तौर के ऊपर जो मैं आपको तारीख बताता हूँ कि मैंने खोते को घोड़ा बना के जो पेश करने की कोशिश है उसके ऊपर मैंने जो प्रोग्राम किया था वो मैं आपको तारीख बताता हूँ, और आपको उस तारीख पे मेरे तमाम आपको जो है वो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको हर प्लेटफॉर्म में जो है वो मिल जाना चाहिए। मैंने 6 जनवरी को हक सच बात आदिल राजा के साथ खोते को घोड़ा बनाने की कोशिश, ये मैंने 6 जनवरी को जो है वो रीलोड करके दोबारा ब्रॉडकास्ट की थी, अगर आप उसके अंदर आपको मिल जाए तो आई विल बी रियली हैप्पी। लेकिन खोते को घोड़ा बनाने की कोशिश आप इसको सर्च करके देख लो, आपको मिल जाएगी वो वीडियो जिसके अंदर इनकी हकीकत जो है वो सारी की सारी खुल जाएगी, इनकी ड्रामाबाजी सारी की सारी खुल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो बाकी मैं आपके कमेंट्स वगैरह देख रहा हूँ बिल्कुल, और जो आपकी मशवरे हैं वो भी मैं जरूर देख रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट इट, इलेक्शंस आने वाले हैं, इस वक्त इतवार के दिन इमरान खान साहब की कॉल है कि पूरा पाकिस्तान निकले एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए पूरा पाकिस्तान है, उसको निकलना चाहिए। और कुछ चीजें जो है वो मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर आज की पिन ट्वीट इंतखाबात लड़ने का जो तरीका है उसके ऊपर कुछ चीजें जो निगलेक्ट की जा रही है वो भी लिखी हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी आप देखें प्रोग्राम के आखिर में, उसके ऊपर आके मैं दोबारा बात करना चाहूंगा। लेकिन पहले आप ये जो प्रोग्राम है मेरा सर हैदर मेहदी के साथ ये देख लें, तो मेरे ख्याल में उसके बाद फिर आखिर में मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। दिल में भी बुरा समझते हुए डरते हैं कि पता नहीं पता ना किसी को। आदिल ये आप जब बात कर रहे थे ना, मैं कल जब अल्लाह ने तौफीक दी थी कलाम मजीद पढ़ रहा था तो ये मैं सूरह अल-क़सास के आखिरी जो आयत है मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उनके 76 से लेकर 82 तक वो मैं छोटे छोटे ना ऐसे नोट्स बनाता रहता हूँ कि मुझे याद रहे कि इस आयत में क्या अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं। वो कारून की बात करते हैं और कहते हैं कि उसको इतनी हमने दौलत दी, इतना उसको वो दिया, वो उसको इतना गुरूर आया, वो कहता है कि ये दौलत तो मेरे अपने सलाहियत की वजह से, ये ताकत अपनी सलाहियत की। मतलब मैं ऑनेस्टली लोगों से कहता हूँ कि ये मैं कोई वाज नहीं कर रहा ना, चूंकि मैं मौलवी तो हूँ नहीं, मैं बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन कोशिश जरूर करता हूँ कि कलाम मजीद को मैं बहुत गौर से पढ़ूँ, रोज पढ़ूँ, बार बार पढ़ूँ, जब खत्म होता है शुरू करता हूँ, इसलिए कि पैगाम की जो अहमियत है वो समझ आए। अगर लोग
कलाम मजीद जो है कुरान मजीद पढ़े हैं तर्जमे के साथ, जिस जबान में आपको सबसे ज्यादा आपकी गिरफ्त है, अगर उर्दू है तो उर्दू में पढ़े, अगर अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़े। अंग्रेजी के लिए मैं दो कुरान मजीद का रेकमेंडेशन करूंगा, एक मोहम्मद असद का है और एक है इमाम अल आसी का, उसका असेंडेड कुरान। असेंडेड कुरान है जी, ये दिस इज द वन दैट आई करंटली रीड, और उसके अलावा है मोहम्मद असद का। बट एनीवे ये जितनी आपने बातें की है ना आदिल, मैं उससे जोड़ना चाह रहा था कि लोगों को अगर अल्लाह सुब्हान ताला का पैगाम समझ आ जाए, मैं कहता हूँ कि कांप जाएं हम लोग कि हम क्या करते हैं दुनिया में। चलते हैं मौजूदा हालात पर। ये आपके जो अजीब एक माजरा देखने में आया, ये समझ नहीं आ रही कि ये इस नहज तक ये कैसे कुछ, ये जरा सुनिए। बात कर रहे थे मीडिया के साथ, जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने आके उनके साथ बड़ी सख्त कलामी की और बदतमीजी भी की उनके साथ, और हमें भी बड़ा अफसोस हुआ कि हमने उनसे पूछा आपने खान साहब के साथ बदतमीजी क्यों की, तो उन्होंने कहा क्योंकि उन्होंने मुझे तुम कह दिया था। तो हम यही कह सकते हैं कि इमरान खान, ये हम नहीं सिर्फ जेल के बाकी भी अमला यही कहता है कि इमरान खान ने आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, वो बड़े प्यार से सारे जेल के अमले के साथ पेश आते हैं, कभी उन्होंने कोई चीज जो उनका जायज जो जेल की कानून के खिलाफ हो, वो उन्होंने आज तक कभी कोई चीज मांगी भी नहीं है। और हमने उनसे पूछा कि आपने उनके साथ बदतमीजी क्यों कर रहे थे, एक एक इंसान 5-6 महीने से जेल में है और वो इतनी तमीज से रहते हैं, तो उन्होंने कहा उन्होंने मुझे तुम कह दिया था। हम यही कह सकते हैं जो पहले वाले आपके हुक्मरान थे, शायद इनको उन्हीं की आदत होगी कि वो इनको बिल्कुल सारों को, आप देखा करें हम जो फुटेज देखते हैं उनके साथ गुजरते गुजरते ये हमजा वगैरह, तो उनको पीछे। जी आदिल सर, एक राशि हरामखोर दल्ला जो एक असगरा है, जो सुपरिटेंडेंट है, जो कि इनके नून लीग के नीचे डेली के पैसे लेता है, बेसिकली अंदर कैदियों से इंसुलेशन कैदियों से डेली के हराम खाने का आदि है, उसकी पूरा रिकॉर्ड आईएसआई के पास पड़ा। और आईएसआई का सबसे बड़ा खौफ यह है कि इमरान खान अपना पैगाम जो है वो बाहर ना पहुंचा सके, और इसलिए वकीलों को भी मैनेज करते हैं, उनके साफियों को मैनेज करते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान ने इतवार को कहा है कि पूरी कौम जो है जिस तरह निकली थी 8 अप्रैल को, 10 अप्रैल को निकली थी, उस तरह पूरी कौम इतवार के रोज निकल के पुरमन एहतजाज करे। ये पैगाम अभी अगर निकलेगा तो इसकी तो असगरे की तो जो है उन्होंने जाके बजानी है, जो है वो पिंडी डेट वालों ने, गोलड़े वालों ने जो इसका इंचार्ज है उसके, तो इसको तो फिर जो है शारक बांडे कहेगा इधर आ जाना शाबाश जरा, इसकी तो पिटी सीधी करके वो इसको जो छित्र मारेंगे, लित्रों पे चित्र पे छित्र पड़ते हैं, तो इसको तकलीफ ये है असल में, इसलिए जाके चीखा और बोलता है। असल बात ये है कि इमरान खान का पैगाम बाहर ना चला जाए, इमरान खान ने फिर भी, और साफी भी आप देखें बाहर कितने साफी हैं जो अपने आप को साफी कहते हैं, वो आके बाहर बता रहे हैं कि इमरान खान ने संडे की पुरमन एहतजाज की कॉल दी हुई है। तो ये असल में मसला अंदर खाते ये है सर कि ये हराम खोर इसकी फाइल इतनी बड़ी है कि उसी फाइल में उसको दसाने का जो है वो धमकी मिलती है ऊपर से, तो ये बचेगा तो नहीं सर, अवाम इसको छोड़ेगी आपके ख्याल के अंदर इसको, असगर को नहीं छोड़ती सर यहाँ। लेकिन असल कहानी ये है सर पीछे कि इमरान खान साफियों से बात ना कर सकें या अपना पैगाम बाहर ना भेज सकें, इसलिए कभी मोटे शीशे लगाए जाते हैं, कभी उनको जो है वो हरासमेंट किया जाती है, एक एक साफी को जो है वो शिफ्ट किया जाता है, उसको धमकियां दी जाती हैं, अंदर बात कोई और होती है, वकील बाहर आके बड़े बड़े 30 मार खान मोला जट बनने वाले बाहर कोई और बात कर देते हैं कि खान साहब ने ये बोला है। तो ये बेसिकली पूरी गेम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जर्नलों की है और रोसी पीढ़ी की पूरी ड्यूटी शारक बांडे की जो घूमती है पूरी की पूरी, आई एम श्योर वही होगा, अभी लास्ट टाइम तक तो वही था, अगर चेंज हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन ओसी पिंडी की जो पूरी ड्यूटी है सर वो इसके ऊपर रिवॉल्व करती है कि ये इमरान खान का कम्युनिकेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ ना हो, और अगर वो हो रहा है तो सर फिर जाहिर बात है पेचश तो लगेंगे फिर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को। जी सर,
आते बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और वो उसका जो मकालबा है वो किसी ने भेजा मुझे, वो कहता है कि जब इमरान साहब ने कहा कि क्यों वो रोक रहे, उसने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि मुझे तो ओपन कोर्ट है, मैं बात कर सकता हूँ। कहते हैं जी, रिपोर्टर जो है ना सिर्फ वो ट्रायल की कवरेज के लिए आए हैं, वो आपसे बातचीत करने के लिए नहीं है। कोर्ट के अंदर सच्ची गुफ्तगु नहीं हो सकती है, वो आप चुप करके बैठे, आप उनसे कोई बात नहीं कर। देर यू गो। हाँ, मतलब कि ये उन्होंने इस किस्म की एक अजीब है। आदिल, मुझे ना बार बार तारीख में देखता हूँ, मुझे बार बार ना याद आता है कि किस तरह तारीख में कोशिशें की गई हैं हक और सच की बात को दबाने के लिए। और ज्यादा दूर नहीं जाना हमें, हमें हमें सिर्फ हम करबला पे चले जाए ना, तो मेरा ख्याल है उस वक्त जितने जेल के सुपरिटेंडेंट और जितने लोग थे, उनसे अगर कोई पूछे कि यार इमाम हुसैन की बात आगे बाहर निकालते हुए कह रही थी, तो खलीफा का हुक्म है जी, खलीफा है, और खलीफा कौन? यजीद। तो हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद जिस तरह हमारी तारीख हुई, और आज भी आप आते हैं, फिर आप अयूब का दौर ले लें, या का, ज़िया का, मुशर्रफ का ले लें, ज़िया ने फैक्स मशीनें बैन कर दी कि जी फैक्स मशीन बैन कर दो, यहाँ से पाकिस्तान से बाहर असल खबर मिल जाए। मतलब ये इतने बेवकूफ है। लेकिन इससे जो जुड़ी हुई बात फौज की निकल आई है आदित, वो बड़ी खतरनाक एक कल खबर मुझे मिली है, और उसकी फिर तस्दीक भी बाद में की कि जी बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। देर इज अ लॉट ऑफ जो कहते हैं अनरेस्ट है। अब ये नहीं है कि बगावत हो गई है, लेकिन कहते हैं बहुत अनरेस्ट है, लोग खास तौर पे सीनियर लेवल पर अब लोगों को घबराए गए हैं कि ये आसिम मुनीर हमें डुबो देगा, तो कोई ऐसी बातचीत करे। अब ये नहीं पता कि आसिम ने इनको फ्लोट किया है, बिकॉज इसमें सर्विंग जर्नैल भी है, ठीक है ना। तो जब सर्विंग जर्नैल आके किसी से बात करते हैं ना सिविलियन से कि जी हालात बड़े खराब हैं, बताएं क्या करना चाहिए, तो मैं मेरे एकदम रडार खड़े हो जाते हैं कि यार ये आसिम ने तो नहीं इस बंदे को भेजा कि जरा तू टेस्ट करके ये बंदा क्या कहता है या क्या है। लेकिन ये बात 100% गारंटी है कि एक जर्नैल ने आके कहा किसी को कि जी हालात बड़े खराब हैं और कुछ बताएं क्या करें, ये तो इमरान को नहीं छोड़ेंगे, इमरान भला आदमी है, हत्ता कि ये भी कहा कि बहुत अच्छा आदमी है लेकिन टीम अच्छी नहीं बना सकता, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, इस तरह तो नहीं चलेगा। और एक इशारा दिया कि 8 फरवरी को हो सकता है कि लोग तैश में आ जाएं, इसलिए कि ये इलेक्शन इनसे चुराएगा और खून खराबा होगा, तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। जी आदिल, मैं आपको होलिस्टिक इस पूरी सिचुएशन का जो है इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आपको बताता हूं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, असल में पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे क्या गेम हो रही है और क्या ये गेम करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरे का पूरा अभी ब्रीफ दे रहा हूं सर, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। मेरी जो इंफॉर्मेशन मैं ट्विटर या एक्स के थ्रू कन्वे करता हूं, उस पे ये रिकॉर्डेड गुफ्तगू मौजूद है जिसको मैं रेफरेंस करके बात कर रहा हूं। तो एक बात समझिएगा सर, अब यहाँ पे जो कहानी है सर, वो इस किस्म की कहानी है कि आपका जो है बकायदा दो 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 फौज के अंदर इस वक्त वाजे ग्रुप्स मौजूद हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या फौज के अंदर एज अ होल ISI एंड आर्मी मिला के दो ग्रुप्स इस वक्त काम कर रहे हैं। एक ग्रुप है आसिम मुनीर ग्रुप, आसिम मुनीर ग्रुप जो आर्मी चीफ ग्रुप है, उसके साथ ISI में DGC उसके साथ था, और ये नून लीग को लाना चाहते थे, ये इनका प्लान था, लंदन प्लान इस ग्रुप ने बनाया था सर। दूसरा ग्रुप है नदीम अंजुम ग्रुप, नदीम अंजुम ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है, अमेरिकन माइट खड़ी हुई है, अमेरिकन लॉबिंग सक्सेसफुल खड़ी हुई है, ये ग्रुप पीपल्स पार्टी की ऑपरेशन बादे सभा के तहत जो है पीपल्स पार्टी की इंडिपेंडेंट्स के साथ प्रेफरेबली PTI के साथ मिलके हुकूमत बनाना चाहता है ताकि पब्लिक लेजिटिमेसी हो, एंड आई एम श्योर इमरान खान साहब को भी इसमें रिलीफ ऑफर की जाएगी आगे चल के। ये दो ग्रुप्स का टकराव बड़ा शदीद चल रहा था, जब तक अमेरिका आर्मी चीफ को बुलाया गया तो समझा ये जा रहा था कि आर्मी चीफ को अब फुल पेट्रोनेज मिल गई है, अब आर्मी चीफ का ग्रुप छा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो बड़े बड़े यहाँ पे प्रधान अपने आप को समझने वाले लोग कहते हैं कि ही बिलावल की सुनेगा एंथनी और मामा उसी की सुनता है एंथनी,
बिलावल फोन करता है एंथनी ब्लिंकन को, लॉबी करता है, और DGISI जिसका कहीं दूर दूर जिक्र ही नहीं होता, उसको भी जिधर आर्मी चीफ का प्लेन लैंड करता है, उसका प्राइवेट जेट लैंड करता है खालिद वन, पीछे पीछे DGISI का जो है प्राइवेट जेट जो है वो भी लैंड कर जाता है। और जब डीजी आपका आर्मी चीफ मिलने जाता है एंथनी ब्लिंकन से, खड़े खड़े मुलाकात करने जाता है, तो वहां पे उसको पता चलता है कि DGISI नदीम अंजुम पहले से बैठा हुआ है। That was because of the successful lobbying of the People's Party. जितना अरसा लंदन प्लान के अंदर ये साजिशें बना रहा था आसिम मुनीर ग्रुप और नून लीग और डर्टी हैरी इसके लिए लॉबिंग कर रहा था लंदन में बैठ के, उतने उस तमाम अरसे के अंदर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एंड द एंटायर माइट ऑफ पीपल पार्टी विद वेरी वेल ऑयल्ड लॉबियस्ट हेवली पेड, नॉट कहानी टाइप नहीं, उसहैन कहानी टाइप नहीं, एक्चुअल लॉबियस्ट, दे हैव बीन लॉबिंग फॉर द पीपल पार्टी गवर्नमेंट ओवर देयर सर, एंड दे हैव सक्सेसफुली लॉबिड फॉर देमसेल्व्स सर। यहाँ पे टाकरा आ गया कि नवाज शरीफ ने काउंटर करने के लिए, ही हैज ऑलवेज बीन इंडियाज मैन, बीजेपी मैन, और ही इज ऑलवेज बीन द सज्जन जंदाल्स और उन लोगों से मिठल शिठल का दोस्त है, ठीक है सर। तो ये मिठल का मुठल दोस्त जो है सर, ये इंडियंस पे बैंक किया कि इंडियंस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बट इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के अंदर सोल सुपर पावर या सुपर पावर ऊपर वाला हाथ अभी भी वॉशिंगटन का है, और वॉशिंगटन में लॉबिंग के साथ काम चलता है, ये आपको अच्छे तरीके से ये बात पता है। इसका ड्रॉप सीन होता है जब ये वापस लैंड करते हैं, वापस आते हैं, आर्मी चीफ जू ही आता है, नवाज शरीफ उसको मिलके बड़े गिले शिकवे करता है, और ये वो टाइम है जिस वक्त चिड़ियाघर के अफसर आपस में बातचीत करते हुए ये कहते हैं कि नको नक नवाज शरीफ और मरियम से आए हुए, इनकी ख्वाहिशें नहीं खत्म होती, इनकी फरमाइशें नहीं खत्म होती, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम मरियम और नवाज शरीफ की ख्वाहिश फरमाइश पूरी कर सके। चिड़ियाघर मतलब ISI इंटरनल विंग पंजाब का हेड ऑफिस, जो चिड़ियाघर के अंदर मतलब आप समझ जाए जिसको चिड़ियाघर कहा जाता है, सेफ्टी रीजंस की वजह से हम एड्रेस नहीं देते, लोहरियों को पता। अब ये एक तो नको ना काए हुए, फिर ये फरमाइश करता है आते ही नवाज शरीफ डायरेक्ट आसिम मुनीर से कि जरदारी को बिलावल को महदूद करो सिंध तक हर सूरत में। अभी इनको ये नहीं पता होता जो आपका भाई आदल राजा स्टोरी ब्रेक करता है कि भाई अमरीका ने इनको दिया डंडा इसको विजिट में, 2 साल एक्सटेंशन नदीम अंजुम की टिल फर्दर ऑर्डर थी कि तलवार लटकती रहे, अमेरिका के डंडे के बाद 2 साल की एक्सटेंशन कोरो निकल आया है, ऑर्डर हो गया नदीम अंजुम का, और नदीम अंजुम इज इन अ पोजीशन कि एनी टाइम वो इसके टेन्योर पूरे होने पे भी अगला चीफ लग सकता है, दरमियान में कोई भी ऐसी इवेंचुअलिटी हो, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर चीफ लगा हुआ है, इसको साइड पे करके नदीम अंजुम इज नाउ सीनियर मोस्ट पर्सन टू बिकम द आर्मी चीफ, ही इज इन पोजीशन एंड ही इज गॉट द पैट्रनेज ऑफ डैडी जी, अंकल सैम पैट्रनेज है इनको, ठीक है, अंकल जी की जो है चाचू सैम की पैट्रनेज मिली हुई है इसको। यहाँ पे जब ये सिचुएशन होती है तो थली जो है नवाज शरीफ कैंप को जरा लेट पता चलता है, उन्होंने कहा जब मोदी सानू नहीं बचा सके, अब ऑफिशियली कन्वे कर दिया गया है बकायदा तौर के ऊपर नवाज शरीफ को और मरियम को ये बात, उन्होंने हर चीज अपनी बारी करके ऑफर की है। नदीम अंजुम को कहा तुम्हें अगला चीफ हम लगाएंगे, वो कहते हैं मेरा ऑलरेडी सब कुछ सेटल्ड है, ठीक है मेरे मैं रजा हूं हर तरफ से, मुझे क्या जरूरत है दरमियान में एक पंगा लेने की, हर किस्म की उन्होंने ऑफर की है। लेकिन इनको बताया गया ऑफिशियली 2 डिवाइड्स हैं, दोनों डिवाइड्स की तरफ से कन्वे किया गया है बिठा के इट इज नॉट पॉसिबल के पंजाब के अंदर हम PTI और नून लीग का जो डिफरेंस है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, चाहे हम जो मर्जी खाट लें और पाट लें, ये इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बताया है। तो अब इनके पास पहला ऑप्शन यही है कि अच्छा ऊपर से वो भी बड़े सियाने हैं पीपल पार्टी वाले, वो कहते हैं ये तो डूब रहे हैं भाई, तुम तो डूबोगे सनम, तुम्हारे साथ हम क्यों डूबे, तुम्हें तो लोग इतनी गालियां देते हैं, हमारा फिर कोई थोड़ा बहुत कोई इमेज बचा हुआ है बीबी की वजह से, भुट्टो की वजह से, हमारा भुट्टो जिंदा है तो हम तुम्हारे साथ क्यों मारे जाएं जीते जी। तो वो कहते हैं नहीं जी हम इंडिपेंडेंस के साथ बनाएंगे कोर्ट, इंडिपेंडेंस के साथ
गवर्नमेंट बनाएंगे, जो कि ऑपरेशन बादे सबा का एक्चुअल प्लान है, जिसके तहत इमरान खान से बल्ले का निशान छीना गया है, जिसकी वजह से काजी फायज ईसा को डिटेल जजमेंट जारी नहीं करने दिया जा रहा, ताकि पीटीआई की जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीटीआई को ना मिले, इंडिपेंडेंट्स के तौर के ऊपर ये रहे और उन इंडिपेंडेंट्स की जो है वो थोक के हिसाब से खरीदारी की जाए, और खरीदारी जब हो जाए तो उस पर हॉर्स ट्रेडिंग का चक्कर ना लगे कोई, वो उन पे ये ना चक्कर लगे कि जो फलानी पार्टी टिकट के ऊपर लड़े हैं, क्योंकि वो तो एज इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। तो ये जब तक ये हो जाए, इनकी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बन जाए, फिर खान साहब को भी रिलीफ वगैरह दी जाएगी, ये इनका प्लान ये है। अच्छा नहीं चला सर तो फिर अगला उन्होंने ये भी रखा हुआ है, इधर एक सवाल कि फिर आखिर में वट्टा सट्टा मजबूरी बन गई, तो वट्टा सट्टा मजबूरी नून लीग और पीपल पार्टी कर लेगी, बट दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जी सर ठीक है, नहीं बिल्कुल समझ गया। तो जो मेरा सवाल था कि ये जो लोग कुछ और प्राइवेट बातें भी हैं लेकिन वो हम पब्लिकली नहीं कर सकते, वो मैंने पेट्रियन के ऊपर की जरूर है लेकिन वो हम पब्लिकली नहीं बता सकते, बहुत उसमें कुछ हमें लीगैलिटीज का इशू है। जी सर, तो ये जो मैंने सवाल पूछा था कि ये जो हाजिर सर्विस जर्नैल जो हैं और सीनियर अफसर जो हैं, ये लोगों से जाके मिल रहे हैं कि भाई आसिम हमें मरवा रहा है ये, और उसके अंदर बाय द वे डीजी जो आईएसआई नदीम अंजुम के खिलाफ भी उन्होंने बातें की और कहा है कि हमें खदशा है कि खून खराबा होगा 8 फरवरी को, और एक आदमी का अंदाजा है कि ये जो तीसरा ग्रुप है ये कहीं भर के आ जाए और ये टेक ओवर कर ले, मिलिट्री टेक ओवर कर ले, इसके मुताबिक आपकी क्या राय? उसमें भी ये है कि वो हम एक कैंपेन कर रहे हैं कि 4 करोड़ इमरान खान का वोटर है, इमरान खान भी ये कैंपेन कर रहे हैं, इमरान खान का पैगाम है कि जी वो बाहर निकले, जो कैंडिडेट इंडोर्स किए हैं पीटीआई ने उनको वोट दे, और वोट डालने के बाद 200 मुख्तलिफ मुकामात पे कम अज कम अपने हल्कों के अंदर पुरअमन इज्तिमा करे, और जब तक उन्होंने जो वोट डाला है उसके मुताबिक फैसला नहीं सुनाया जाता, पोलिंग एजेंट्स मौजूद है ना, हेरा फेरी अगर करते हैं रेगिंग तो पता तो चल जाता है फौरन ही, तो वो वहां पे अपने वोट के लिए जो है उसकी हिफाजत के लिए बाहर मौजूद रहे। इनको ये डर है कि यहाँ 40,000 से नहीं संभाला जाता, 4 करोड़ निकलेगा तो दे वॉन्ट बी एबल टू हैंडल इट, इसलिए ये काउंटर मूवमेंट चला रहे हैं, ड्रामेबाजी चला रहे हैं कि ओ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहू आ जाएगा, आज सिक्योरिटी इधर आ गई है, ये पीटीए इनका पहले प्रोग्राम ये था कि ये टीटीपी शीटीपी से कोई दहशतगर्द हमला, अपने ही बंदे हैं ना इनके सर, बचे बचे इनके अपने ही हैं आईएसआई के, उनसे कराएंगे दहशतगर्द हमला और उनको जिंदा पकड़ के बयान दिलवाएंगे कि हमें पीटीआई ने कहा था ये काम करो, इसलिए कभी गंडापुर के और कभी सुलंगी की गाड़ियों से जो है वास्ता निकालने का ड्रामा करते हैं, वो हमने एक्सपोज क्यों कर दिया। मैं आजकल जो है ट्विटर एक्स के ऊपर आधे सिर्फ सवाल एक है सर, फौज के अंदर तीसरा ग्रुप है या नहीं है? 2 ग्रुप है सर, तीसरा है, बिल्कुल है ग्रुप सर, वो ईमानदार हाथ हलाली ग्रुप है सर। अच्छा, और वो इन दोनों ग्रुप को इकट्ठा फारिग कर सकता है सर। और जो ये जो मेरे पास जो खबर आई है इसी में, इस पे जरा जोर दे रहा हूँ, और लोग कहते हैं ओ जी आपने कहा था वो होगा, वो तीसरा ग्रुप किधर गया? ओ भाई हम लोग सर अपनी बात करते नहीं है, अपनी अपनी बात करते नहीं है, असि ड्राइंग रूम में जो बह के टोके, खास तौर पर पंजाब के अंदर वो कहते हैं बस हम ड्राइंग रूम से ना वो मार के झुकते मार के या टोके मार के मगलों को जो है वर्ड। मैं लोगों से दरखास्त करता हूँ कि देखिए जब मैं और आदिल करते हैं ना, हम कोई एक हम नजूमी नहीं है, दूसरा हमारे पास जो है ना 100% खबर कई शायद होती है, बेशतर जो है हमें कुछ खबर इधर से मिलती है कुछ उधर से मिलती है, फिर हम उसको वेरीफाई करते हैं, फिर हम उसको आदिल तो खैर बहुत ज्यादा उसकी खबरों में सदाकत होती है, मेरी खबरें जो हैं मैं मुझे बहुत उसके अंदर जरा ठहर ठहर कर बड़ा फूक फूक कर मुझे देखना पड़ता है कि यार इसमें क्या है। तो मैं एक तज्जिए के तौर पर कहता हूँ कि चूंकि खबर मेरे पास आई है कि हाजिर सर्विस जर्नैलों ने ये बात करनी शुरू कर दी है निजी महफिलों में कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, और इन जर्नैलों का खदशा है कि खुदा ना खास्ता 8 फरवरी को अगर इलेक्शन इनसे चोरी किया गया तो खून खराबा होगा, और हो सकता है कि फौज के अंदर से कोई ऐसे लोग निकले जो कि कोशिश करें कि फौज के अंदर ही कू कर लें और फिर हुकूमत को टेक ओवर कर ले। ये एक खदशा है, एक असेसमेंट है, एक
एनालिसिस है, ये नहीं है कि ऐसे होगा, ये मैं नोबडी वांट्स दैट। लेकिन ये जर्नैल जो है ये बेसिकली आसिम मुनीर को वार्न कर रहे हैं कि उनको हमने बता दिया नूरों को पटवारियों को कि तुसी फारग हो, ठीक है लंदन वापस इज्जत नाल चले जो, खून खराबे तो बगैर चले जो, तुहानू सेफ एग्जिट अवेलेबल है, निकल जाओ निकल सकते हो, तो नहीं निकलोगे तो फिर काम कुछ और होगा। अगर आसिम मुनीर फिर भी बाज नहीं आता डर्टी हैरी के साथ मिलके कोई नया चंद चाड़ने की कोशिश करता है तो वो चंद इनको बड़ा महंगा पड़ेगा सर। ये असल में दूसरा ग्रुप ही अभी उनको बता रहा है क्योंकि दे आर स्केर्ड के यार आदल राजे के पास खबरें, ऑपरेशन बादल सभा चलाते हैं, ऑपरेशन साइक्लोन चलाते हैं, जो ऑपरेशनल नेम है, ऑपरेशनल सिक्योरिटी है, ऑपरेशनल एम है, ऑपरेशन की डिटेल्स हैं, वो सब की सब निकाल के ये सामने रख देता है। तो इसके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, अंदर से इसको बता रहे हैं लोग। जी देयर इज अ थर्ड ग्रुप क्लियरली आदिल, बिकॉज मेरे पास भी खबरें आ रही है और मैंने कल एक मेरा ख्याल है शायद वो वीकेंड स्पेशल हम करना शुरू किया एक्सपर्ट्स का पैनल शाम को, अगर आपके लिए रात होगी आदिल लेकिन आप अगर उसमें आ जाए करें ना, संडे को हम शाम को करते हैं एक वीकली राउंड अप तो बड़ा जबरदस्त होगा। बट एनीवे संडे को करते हैं सर, वो मैं बताता हूँ आपको इस प्रोग्राम के बाद। तो अच्छा आदिल वो उसमें ना एक एयरफोर्स के 2 स्टार रिटायर्ड ने मुझे कहा कि मेहदी साहब आदिल राजा की और आपकी बातें बहुत ज्यादा सुनी जाती हैं सीनियर मिलिट्री सर्कल्स में, हमारे एयरफोर्स में भी, नेवी में भी और आर्मी में भी, और बहुत गौर से सुनी जाती हैं, और आपको मेहरबानी करके आप ना ये क्या कहते हैं रिबेलियन या लोगों में सिविल वॉर ना करवाएं फौज के अंदर, पॉजिटिव पैगाम दे। मैंने कहा यार की बात करते हैं सर, मैंने यही कहा, मैंने कहा आपने अगर मेरे और आदिल की अगर आपने व्लॉग सुने रेगुलरली आप मुझे बताएं हम क्या इशारा कर रहे हैं। हम इशारा कर रहे हैं कि अगर इन लोगों ने सही फैसले ना किए और ये इस किस्म की जारियत बरबरियत करते रहे, ये इतना प्रेशर डालेंगे अपने इदारों के ऊपर, अपनी फौज में, अपनी पुलिस के ऊपर, अपने रेंजर्स में, कि मुझे लगता है तारीख को देखते हो कि उसमें फूट लाजमी बात है पड़ जाएगी, और अगर एक बार पड़ गई उसको फिर वापस नहीं कर सकता। मैं और आदिल तो वॉर्न कर रहे हैं कि उस जगह से पहुंचने तक पहले रुक जाओ वरना बहुत बुरा होगा। जी आदिल सर, हमारा तो जो मेन मकसद है वो अकाउंटेबिलिटी है। हमारा मेन मकसद ये है कि 76 साल में जो डिबेट नहीं शुरू हुई उस डिबेट को हमने शुरू किया, सक्सेसफुली शुरू किया, एट अ ग्रेट कॉस्ट शुरू किया। मैंने तो सर अपनी माल की बाजी लगाई है, सारा माल और माल जो ये जो लोग मुझे बातें करते हैं लफाफी शफाफी लफाफे, इनके वहम और गुमान में भी नहीं है। ये 100 साल यूट्यूब की कमाई इनकी से और इनके चैनलों की कमाई से भी ज्यादा मैं सिर्फ एक दिन के अंदर कुर्बान करके आया हूँ सर, उसके बाद जान की बाजी लगा के बात करता हूँ सर। आप भी सर बिल्कुल उसी तरह जो है ये डिबेट उसी माल और जान की कुर्बानी के जज्बे के तहत जो है यहाँ पे बैठे हुए हमने ये जो डिबेट शुरू की है, इसका मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान में हकीकी आजादी, हकीकी जमहूरियत आनी चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए। ये कैंपेनिंग, ये डिबेट होनी चाहिए, और अब इस वक्त ये हालात आ गए इस डिबेट के नतीजे के अंदर के आम आदमी ये बात करता है कि जनाब फौज का क्या काम है सियासत में। पहले कहते थे जो मिठाइयां बांटते थे लोग फौज के जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने पे, अब वो कहते हैं कि फौज का क्या काम है सियासत में। पहले जो ISI के डालों की जो है वो सलूट मारा करते थे, अभी उनको देख के थूकते हैं लोग, वो कहते हैं यार ये हमारे सर के ऊपर मुसलत होके ये अजाब मुसलत हुआ है। पहले जो बलोच या मिसिंग पर्सन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है या सहाफी जिनको मार दिया जाता था उनको एक्सेप्टेबिलिटी दी जाती थी, जिनको कहते थे ये रात एजेंट है, CIA का एजेंट है, लोग मान जाते थे, अब लोग नहीं मानते। कितना कहते हैं आदिल राजा राक है, फलाना है, हैदर मेदी जो है वो इनके लिए काम कर रहा है, ये गोल्ड स्मिथ है, ये फलाना है, अवाम नहीं मानती। इट्स अ रिजल्ट ऑफ द डिबेट विच वी हैव स्टार्टेड सक्सेसफुली सर, और ये हमारी कामयाबी है जिसकी वजह से डरे हुए हैं। बिकॉज सर अब आम आदमी थड़े पे बैठा हुआ ये बात करता है, मैं घर में बैठे हुए मर्दों की बात नहीं करता लेकिन उनकी माओं की बात करता हूँ, वो आदिल राजा से मोहब्बत करती हैं, आदिल राजा को दुआएं देती हैं, उनके घरों की औरतें
उनको दुआएं देती ना, कहती हैं बंदा जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है, मत देती हैं मर्दों को, तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है सर। आदिल ये जो ना ये बड़ी सक्सेस है। मुझे सर रोज जो है वो खाना काबा से वीडियोस आ रही होती हैं, मेरे लिए दुआ हो रही है, लोग वीडियोस भेजते हैं मुझे, तस्वीर मेरी लगी हुई है पीछे काबा। अच्छा ये सर लोगों आम आदमी के दिल में असर होता है तो आई डोंट नो देम, वो तब ये लोग काम करते हैं। ये डिबेट जो हमने शुरू की है ना, ये कुर्बानी दे के शुरू की है ना सर, कुर्बानियां दी है ना सर, तो ये जो डिबेट है ये डिबेट ही इंशाल्लाह आजादी की तरफ आपको लेके जाएगी। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है जी सर, और नहीं हो सकता। बिल्कुल आदिल आप सही कह रहे हैं, आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट यू, मैं इसी के साथ एक बात जोड़ रहा हूँ कि जो लोगों को मैं बार बार तारीख और आप भी तारीख से इशारे देते हैं वो क्यों देते हैं। मैं कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसके अंदर था कि द रोल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो अंग्रेज की बनाई हुई हिंदुस्तान की फौज थी, उसके दो सबसे बड़े मकासद थे कि हिंदुस्तान के बाकी वो हिस्से जिन पर उनका कब्जा नहीं था उन पर कब्जा करें। ये सोचिए आप, 1857 के बाद जो फौज कि हिंदुस्तान ही के ऊपर कब्जा करें, और दूसरा उनका था कि उनके जो बैरूने मुल्क जो बैरूने उनका हिंदुस्तान के बाहर जो जंग है उसके जंगों के लिए करें, उसका कोई कहीं से भी हिंदुस्तान के अंदर एक नेशनल आर्मी बनाने का नहीं था कि जी ये दिफा करेगा हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर किसी ने हमला नहीं करना था, रूस उधर लगा हुआ था तुर्कियों के साथ। और तो अब आप ये सोचें अगर इस फौज को 90 साल के वो सिर्फ ये बताया गया हो कि तुमने इस मुल्क के ऊपर कब्जा करना है जो तुम्हारा मुल्क है, हमने तुम्हें इसलिए किया कि तुम इसको फतह करते रहो, या तुम हमारे लिए जंगे लड़ो जाके कोई दूसरी जंग अजीम पहले जंग अजीम, तो ये सोच 1947 तक थी, एग्जैक्टली 13 अगस्त 1947 तक थी। बड़े लोगों ने कोशिश की इस सोच को तब्दील करने के लिए, लेकिन वो बहुत कम अफसर थे, हमारे वाले साहब जैसे थे, उनको फौज से बड़ी जल्दी निकाल दिया गया। जो ऐसे थे वो चुप कर गए, जो सीनियर रैंकों में पहुंच गए जो लतीफ़ुर्रहमान साहब जैसे बड़े जबरदस्त थे लेकिन चुप कर गए, लेफ्टिनेंट जनरल बन गए। जितने इस किस्म के मुहिब वतन जनरल फौजी अफसर थे जो कहते थे कि नहीं ये हमारे फौज की सोच गलत है, ये मर्सनरी आर्मी है, ये किराए के गुरीले हैं, इनके अंदर मुल्क और कौम की कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ अपने आर्मी चीफ को फॉलो करती है, ये पैसे के पुजारी हैं और बाद में प्लॉटों के पुजारी हैं, जब तक इनका तशख्स नहीं चेंज किया जाएगा ये पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल करते रहेंगे। और हमने देख लिया, हमारे चार मार्शल लॉ में बताते हैं, हमारा असलम बेग हमें बताता है, जनरल कियानी बताते हैं, और आखिरी दो जो सबसे बड़े गद्दार पाकिस्तान के, गद्दार आजम अव्वल बाजवा, गद्दार आजम दोम आसिम मुनीर। ये लोगों को समझना चाहिए कि इस फौज की सोच शुरू होती है पीएमए से, ट्रेनिंग सेंटर से, हमारे स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन से, इसलिए कि इनको ये नहीं बताया जाता कि कानून तोड़ना आईन तोड़ना ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी है, अमरीका के साथ आपको बेचना मुल्क के साथ गद्दारी है, तुम अगर गैर कानूनी अहकामात मानते हो ये आईन के खिलाफ वर्जी है, ये कानून के खिलाफ वर्जी है। ये लोगों को समझ नहीं आता, नहीं जी बड़ी डिसिप्लिन फौज है, वो खाक डिसिप्लिन फौज है जो कि माओ बहनों बेटियों को टॉर्चर करके उनको बुरा उनके अल्लाह माफ करे उनके साथ जो हुआ है उसके अहकामात मानो, और जी बड़ी डिसिप्लिन फौज है। जी आदिल सर इसमें सिर्फ कौम को ये समझने की जरूरत नहीं है बल्कि फौज को खुद ये समझने की जरूरत है, यंग ऑफिसर्स को, ये पीएमए से यंग कैडेट, यंग एस्पिरेंट्स हु वांट टू जॉइन एज अ जेंटलमैन कैडेट, जो आपके मिलिट्री कॉलेज में खास तौर के ऊपर लड़के हैं जिनको आप ब्रेन वॉश सातवीं जमात से किया जा रहा है, भाईजान 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 जो मर्जी कर दे पीछे से भाईजान भाईजान है, ये जो काम है ना आपके कैडेट कॉलेजेस में जो आपकी लॉट है, ये बेसिकली उनको भी समझने की जरूरत है कि 1897 की जंग आजादी की आप बात करते हैं, जनरल डायर ने के जो एक्शंस थे जनरल वाला बाग के अंदर उसका जो रिएक्शन आया उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने किंग्स ऑफिसर्स जो है इन्होंने कहा कि जी हम पूरा हिंदुस्तान काबू करेंगे, किंग ऑफिसर्स पहले इन्होंने भर्ती करने शुरू किए, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको नजर आना शुरू हो गया कि यार अब ये हमें हिंदुस्तान से निकलना पड़ेगा, तो इन्होंने कमीशन्ड ऑफिसर्स नेटिव्स को शुरू कर दिया जिनको पहले कहते थे डॉग्स एंड इंडियंस एंड
नॉट अलाउड अपने क्लब्स के अंदर ही है। इन्होंने उन्हीं को उठा के जो है कमीशन ऑफिसर्स बना दिया और उनको जो है जो उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी बिकॉज दे कुड फोरसी। और ये तो 100 साल आगे की प्लानिंग करते हैं ना सर, ये हमारी तरह थोड़ी है चले जो एक एक दिन के ऊपर चल रहे हैं। इन्होंने अगले 100 साल की प्लानिंग की कि जी हम अगले 100 साल यहाँ से खुद तो चले जाएंगे, लेकिन पहले इन्होंने वॉइस रॉय कॉमन रखने की कोशिश की, कायदे आजम ने कहा नो वे, अल्लाह का शुक्र है इतने अरसे तो वो जिंदा थे ना, गवर्नर जनरल उन्होंने कहा जी गवर्नर जनरल एक ही होगा, उन्होंने कहा जी वॉइस रॉय गवर्नर जनरल नहीं आ रहा ठीक है, लेकिन कमांडर इन चीफ तो अयूब खान हमने छोड़ आए हैं और पूरी की पूरी इसको जो हम फौज छोड़ के आए हैं वो हम छोड़ के आए हैं जो उसको हमने ट्रेन इस नीयत से किया है कि 100 साल क्योंकि इनका तलक हमारे साथ रहेगा और हमारा तलक ऊपर इनडायरेक्ट हमारा जो है सॉफ्ट पावर कह लो, उस वक्त तो हार्ड पावर थी, सॉफ्ट पावर हमारी रहेगी, अगर अमेरिका ने भी रूल करना है तो हमारे थ्रू ही करेगा, विच इज एक्चुअली हैपनिंग सर राइट नाउ, प्लीज डोंट माइंड विच इज एक्चुअली हैपनिंग राइट नाउ। जी जी नहीं माइंड करना, हमारी आर्मी पे इन्फ्लुएंस जो है वो यूके का है, वॉशिंगटन को भी बहुत सी चीजें थ्रू यूके करानी पड़ती है जो डायरेक्ट जनरलों को डॉलर दे के नहीं करवा सकते। तो सर ये एक उन्होंने एक सिस्टम 100 साल की सोचा, उन्होंने अपनी कौम के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए सोचा, हमने लेकिन ये चीज आदिल ये जो I feel ashamed and sorry to say that the Indians realized it before us ke yaar this is the game, aadil wo ek extreme se utke dusri extreme pe chale gaye, that's a separate debate, at least wo apni native extreme ke upar gaye, saffronization of the Indian army. Aap kyun nahi leke, aap apne native ki baat ki to aapne kaha ji afghani ab mazailon ka naam rakh dete hain aur apni pma ki companies ka naam arbi rakh dete hain, apni baat nahi ki aapne, apne apna native koi culture डेवलप नहीं किया, और अगर डेवलप किया है तो वेयर इज इट बाय द वे। सो एक कोई सिग्निफिकेंट चेंज सिर्फ नजर आई ज़ियाउल्लाह के दौर में कि वो भी आपके फौज का कल्चर जी हजूरी का ऐसे को फ्रेंड्स है सारे के सारे, उन्होंने कहा कि ये नमाजी है तो सबने टोपियां रख ली, शराब मसों में शराब बंद होगी, वो जब तक रहा वो उस वक्त तक बंद थी, वापस आप देखें मुशर्रफ आया वही काम पार्टी हुआ, वही पीएम में पहली चीज ये पूछते हैं हैव यू गॉट अ गर्लफ्रेंड, इफ यू गॉट अ गर्लफ्रेंड यू आर द मैन सब, ये बेसिकली दिस इज द थिंग कि आपको जो है वो आपकी तब्दीली ज़हन की जरूरत है, आपको ये चीजें समझने की जरूरत है, खुले दिल से एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि यू आर नॉट द नेटिव आर्मी बट यू आर अ नेशनल आर्मी, यू हैव नॉट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ। आदिल हमें ना कम करेंगे तो आप बदलेंगे ना सर। जी सर बिल्कुल ये जो नेटिव आर्मी और नेशनल आर्मी की बात की है, ये नेशन एट आर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है ना कि होना चाहिए, खैर उस पर हम इंशाल्लाह आगे चल के जरूर बात करेंगे। मैं सिर्फ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हो रहे हैं, ये कॉलेज स्कूल वगैरह इस्लामाबाद ने बंद कर दिए, मुझे अभी एक मेरे दोस्त का फोन आया कि उसके भाई के कहा बेटे के बच्चों का कि भाई आप स्कूल से आके ले जाएं, बहुत सख्त खतरा है, कोई अटैक होने वाला है। ये आधे लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो भी हमने इनहेरिट किया 1947 में ढांचा हुक्मरानी का, वो अंग्रेज का बनाया हुआ ढांचा था जिसके 3 मकासद थे, हिंदुस्तान से जितनी दौलत है उसको चूस के बाहर ले जाओ, हमारा जितनी हमने जंगे करनी है या मुल्क पे कब्जा करना है उसके लिए फौज बनाओ, और ऐसी पुलिस और अदलिया बनाओ कि कोई सर ना उठा सके, जो कि आज इमरान खान के खिलाफ जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो है वो 1927 का बनाया हुआ है और उससे पीछे भी 1878 का एक कानून है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये हराम के पिल्ले जो है फौजी इन्होंने इस एक्ट के अंदर तरमीम करवाई कोई पता नहीं 15 बंदों से पीडीएम की हुकूमत में। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम अभी तक हमारी सोच जो है हमारी फौज की सोच खास तौर पे चूंकि वो सबसे ताकतवर इदारा है वो बिल्कुल कॉलोनियल नौ आबादियाती गुलामाना सोच है, ये फौज नेशनल आर्मी नहीं है। अब मैं खुल के कहता हूँ ये नेशनल आर्मी नहीं है, इनको तफरीक ही नहीं है कि कानूनी और गैर कानूनी ऑर्डर में फर्क क्या है, जो वो तफरीक नहीं कर सकता, अपने आर्मी चीफ को नहीं रोक सकता इदारा जो बेकाबू बेलगाम ताकत है, वो आके धन धनाता है, जिस मर्जी को रोंगना चाहता है रोंग देता है, वो कहता है तुम्हारा हम जो है वो वडेरे का पानी उधर करा देगा, मतलब इसकी फिरौनियत देखो यार। आदि लोगों को समझ आना चाहिए ऑनेस्टली। तो थैंक यू, आगे लास्ट कॉइन
पॉइंट पर चलते आते हैं। ये जो आपका सिक्योरिटी एस्पेक्ट है, मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैंने डे बिफोर यस्टरडे परसों मैंने ये बात लिखी, फॉल्स फ्लैग अलर्ट दिया था इसके ऊपर। अच्छा, कि अच्छा, ये कोई अटैक कराना चाहते हैं और ये अटैक करवा के बंदे जिंदा पकड़ के पीटीआई का उनसे कहना चाहते हैं, हमें पीटीआई ने भेजा था और पीटीआई को एज अ पार्टी उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बैन कराना चाहते हैं, विच इज स्टिल अ प्लान। ये आसिम मुनीर को वार्निंग इसलिए दी जा रही है जिस पर बैरिस्टर गौर ने भी कहा है कि हमें उस जगह पे मत ले जाएं जहां से वापसी नामुमकिन है। ठीक है सर, अब ये जो क्योंकि एक्सपोज हो गया, सोशल मीडिया का दौर है, वो वायरल होगी मेरी पोस्ट पहले ही, उन्होंने कहा तो ये ड्रामा कर रहे हैं, अभी वो ड्रामा कर रहे हैं कि नहीं ये बीएलए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बलोचिस्तान वालों का भी धरना बैठा हुआ है ना, अभी वो बीएलए कराना है, खुद है जो भी कराना है सर, और आखिरी दिन तक इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करनी है कि यार वोटर टर्नआउट ना हो जाए, किधर वोटर टर्नआउट हो गया तो इनको अपनी मौत नजर आती है बेसिकली। आदिल एक बहुत के अंदर ये सारा ड्रामेबाजी चल रही है सर। जी सर, आदिल एक बहुत सीनियर सहाफी ने मुझे कहा कि मेहदी साहब आप देखना कि 11 बजे से जो खून खराबा ये करना शुरू करवाएंगे ना 8 फरवरी को, मुझे तो खौफ आता है कि ये क्या इन्होंने किस किस्म के हालात कर दिए सर। अब फिर फौज में इसलिए ये डिवीजन चल रही है, इस प्लान के खिलाफ बात चल रही है, लेकिन अभी तक तो इस तरह का कोई अप्रूवल नहीं आया इस प्लान को। अगर ये करेंगे आसिम मुनीर ग्रुप, डर्टी हैरी ग्रुप करने की कोशिश करेगा तो उस खून खराबे का निशाना खुद बन जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। आखिरी दो सवाल, ईरान के साथ चुमी जफी हो गई सर, नूरा कुश्ती मुक गई सारी की सारी। दो मुल्क है सर, दोनों की पॉपुलेशन से तंग है, दोनों की अपनी हुकूमतों से तंग है, कह रहे हैं यार क्या मतलब। ठीक है, दोनों में से एक दमाद है और एक ससुराल है। दमाद कहता है यार मेरा बड़ा मसला बना हुआ है, ऐसे 4 मिसाइल मारो इनके ऊपर, मारो ये बलोच है इनको, और मिसाइल जिन पे मरवाने हैं उनका सरदार अपना जो है वो डर्टी हैरी का यार गोदी बैठा हुआ जो है वो शबीक मेंगल जंगवी का जो हेड है लश्कर जंगवी का, इधर मारो 4, हम फिर जवाब में मारेंगे 4, उधर बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग कहेंगे वाह आसिम मुनीर वाह आसिम मुनीर, लोग ने चले सर, लोगों को नहीं पता ड्रामाबाजी है सारी की सारी सर, वो खुल गई सारी ड्रामाबाजी। बिल्कुल सही है, और आदिल ये जो यू नो इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ इसलिए कि ये बहुत जरूरी है। ये जो साइफर में आजम ने अपना बयान पीछे लिया है ना, ये मेरे पास अमेरिका से खबर आई है कि बहुत सख्ती से अमेरिकन्स ने आसिम मुनीर को कहा है कि इस केस को खत्म करो, जितनी देर तुम चलता है हमारी बेइज्जती होती है, इसलिए कि ये मैं जो दिखा रहा हूं ना ये आखिरी पैराग्राफ है असद मजीद का। असद मजीद कहता है कि मुझे डोनाल्ड लू इतनी सख्ती से ये धमकी ना देता अगर उसके पास व्हाइट हाउस की इजाजत ना होती। व्हाइट हाउस का मतलब है प्रेसिडेंट बाइडेन, जिसको वो बार बार उसका नाम लेता था। डॉन कुड नॉट हैव कन्वेड सच अ स्ट्रॉन्ग डिमार्श, डिमार्श अच्छा ये अभी इसमें चक्कर ये है कि अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका के अखबार के अंदर इंटरसेप्ट के अंदर ये बातें सारी छप रही हैं और अमेरिका जो है वो इलेक्शंस के अंदर जा रहा है, तो उनके उन्होंने आके बुला के अपने गुलामों को जर्नलों को डंडा दिया है आसिम मुनीर को भी और नदीम अंजुम को भी कि इसका जिक्र करना बंद करो, साइफर को हमारी जान छोड़ो, इमरान खान को भी छोड़ो, क्योंकि जितना तुम उसके पीछे साइफर के चक्कर में पड़ोगे उतना ही हमारे ऊपर उछलेगा और हम इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं और हम जो है गंदे हो रहे हैं सारे चक्कर के अंदर, तो हमारी जान छोड़ो। This is actually what is going on. इसलिए साइफर वाला केस है दबा के अभी जो है वो इद्दत और नका और सज्जे खब्बे घूम रहे हैं। असल कहानी तो आपको भी पता है कि ड्रामाबाजी क्या है। इलेक्शन जो है ये आपके मसलों का हल तो नहीं है, लेकिन आपकी जो रिएक्शन है उसकी शुरुआत जरूर है। हकीकी आजादी की एक अहम तरीन स्टेप है और ये स्टेप पाकिस्तानियों ने आपने लेना है। 4 करोड़ इमरान खान का वोटर निकलेगा, 200 जगहों के ऊपर अपने पुरअमन एहतजाज करेगा, पुरअमन तरीके से बैठेगा जब तक आपका इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस नहीं होता। अगर आप ये करोगे तो तभी जो है आपके आपकी जो है आप हिफाजत कर पाओगे इमरान खान की और अपने वोट की आपने हिफाजत करनी है और इसका ये सबसे बेहतरीन तरीका है। मजीद इसके अंदर जो मैं चीजें ऐड करना चाहता हूँ वो आज मैंने बल्कि अपने एक्स के ऊपर जो है वो पिन ट्वीट भी यही लगाई हुई है कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। एक तो ये आपको डराने के लिए वोटर टर्नआउट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोंगियां मार रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाया गया जा रहा है, हालात खराब हो जाएंगे, मारे जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आखिरी दिन तक कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं, दहशतगर्दी करवाना चाह रहे हो, फलाना चीज करना चाह रहे हो।
प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है, इमरान खान कहता है। तरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन की खूबियां सब जो है ना, खूबियों पर सब बात करते हैं। नाकदीन भी मान चुके हैं कि तरीके इंसाफ ने हर तरह के जबर के बावजूद कैंपेन उठा रखी है, इसमें कोई शक नहीं है, और मुखालफीन के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन फिर भी लातादाद ऐसी चीजें हैं जिन पर फोकस करना जरूरी है। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि इन कमजोरियों की निशानदेही है जिसकी दुरुस्तगी लाजमी है, जिसमें से पहली चीज जो है वो पब्लिक मोबिलाइजेशन है। अजीज़ान-ए-मन, फौज के अवाम पर जिस कदर जितना तशद्दुद किया है आपने इस वक्त जो किया गया है आईएसआई की तरफ से, जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं, इसने अवाम को आगाज में खौफजदा कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। आगाज के एक दो महीने तो अवाम के हौसले बिल्कुल पस थे, हम पंजाब की खास तौर के ऊपर बात करते हैं, कोई सियासी सरगर्मी नहीं हो सकी। लेकिन फिर अवाम ने आहिस्ता आहिस्ता खौफ के बुत तोड़े, इमरान खान बड़ी ट्रेनिंग करके गए हुए थे। अच्छा, पख्तूनख्वा में लोगों ने हर चीज उलट दी, पंजाब में अभी इस तरह की मोबिलाइजेशन नहीं हुई। अब पंजाब में यहाँ पर लोगों की हरकत में लाना जो है बहुत अशद जरूरी है। आप देखें कि अबू जर खान न्याजी को मैं देखा, वो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे, फिर भी लोगों को मोबिलाइज करने अपने हल्के के अंदर निकले हुए हैं। इस तरह की मोबिलाइजेशन की जरूरत है पंजाब में जो है, आपको यहाँ पे हरकत में लोगों को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले से प्लान किए हुए वर्कर कन्वेंशन कराना मुश्किल है, वहां पे छापे पड़ जाते हैं, मारते छूटते हैं, तो लोगों को अज खुद निकलना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त लोग निकले थे चौकों में, बेशक चंद मिनट के लिए, दो चार दस नौजवान निकले, अब इमरान खान के हक में नारे लगाएं और रफू चक्कर हो जाएं जब तक कोई पहुंचता है। ये सिलसिला एक दफा जब चल पड़ा ना, तो फिर पूरे पंजाब की सड़कें आज खुद तरीके इंसाफ की रैलियों से भर जाएंगी। इसी तरीके से बगैर अनाउंस किए आप जो है पहुंचे, फिर इश्तेहारात की तरफ आते हैं कि जो सियासी इश्तेहारात हैं, अभी इंतजामिया बल्दिया और पुलिस तरीके इंसाफ के बैनर और झंडे नहीं लगने दे रहे, वो फाड़ के ले जाते हैं फौरी तौर के ऊपर। तो इसका मुतबादल जराए जो है वो तलाश किए जा सकते हैं, कोई मुस्तकिल जरिया ढूंढा जाए, या कोई ऐसी चीज जिसको उतारने या मिटाने में इंतजामिया को मुशक्कत करनी पड़े, और मुशक्कत करते हुए भी वीडियोस बने और उल्टा वो वीडियोस वायरल हो जाए, जहन का इस्तेमाल करें। फिर हम देहात में कैंपेन की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो आबादी है वो दही इलाकों के अंदर मुकीम है, यही वो लोग हैं जो जात बरादरी और धड़े की सियासत करते हैं, जिस उम्मीदवार से तल्लुक हो उसको पोलिंग से जतवाना अपनी इज्जत समझते हैं, जिस धड़े से लग जाते हैं उसके साथ साला साल जुड़े रहते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जी, ये इस बहादुरों की कदर करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए और इमरान खान जैसा बहादुर इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, बाकी जो भी मोला जाट खड़े हो रहे हैं वो इमरान खान का नाम लेके खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो पंजाब के दही इलाकों के लिए, दही लोगों के लिए पंजाबी जुबान में वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज बनाए, जो इस वक्त आपको टिकटॉक वगैरह के ऊपर जो है लोगों के लोग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो पीटीआई के अपना सोशल मीडिया टीम नहीं है, उनसे दरखास्त है कि इसको जरूर करें। फिर हम खवातीन के किरदार के ऊपर आते हैं। मैं डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हूँ, आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊं कि लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारे खिलाफ बड़े लोग बातें करते हैं, कोई एक कनाडा में बैठा हुआ चूसनी के मुंह वाला बात कर रहा है, कोई जो है वो कहीं से बात कर रहा है, पाकिस्तान से तो बेतहाशा लोग बात कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ लोग बात बहुत करते हैं, कभी जो है वो लोंडे लपाड़े छपाड़े बहुत पड़े हुए। मैं कहता हूँ मुझे फर्क फिर भी नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी सर्कुलेशन रीच फिर भी, मोहब्बतें फिर भी बेतहाशा है। और वो कहते हैं ये बात सच है, क्यों? क्योंकि मुझसे आप अगर कोई पंगा कर भी रहे, आपकी दुनियादारी की मजबूरी भी है, तो आपके घर आपकी वालदा जो है मुझे देखती है, ये मुझे पता है, लोगों की माएं प्यार करती हैं, बहनें भी मुझसे प्यार करती हैं, और उनको हक सच पता है। और खवातीन जो है वो आपकी साइलेंट मेजोरिटी है, 50% है। आप इसी तरह जो है मुख्तलिफ तरह के ट्रेंड्स में देखता हूँ, हर डिजिटल मीडिया से वाबस्ता शख्स जो है वो बड़ी अच्छी तरह ये बात समझता है कि खवातीन का इस दौर में क्या किरदार है। मैं आपको अपनी मिसाल देते हुए ये बात कर रहा हूं, मैं आप मेरी मिसाल छोड़ें, कोई ड्रामा आप ले लो, कोई गाना आप ले लो, कोई भी चीज जो कोई ड्रामा जो खवातीन को पसंद आ जाए वो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ जाता है। इसी तरह कोई बंदा पसंद आ जाए उसका पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ जाता है, क्योंकि खवातीन आबादी का 50% हिस्सा है, माशरे की खामोश अक्सरियत है, साइलेंट मेजोरिटी है। तरीके इंसाफ की खवातीन ने जिस तरह का किरदार अदा कर छोड़ा है, इसमें मुल्क भर की खवातीन की हमदर्दियां इस वक्त बहरहाल इमरान खान और पीटीआई और तरीके इंसाफ के साथ हैं, और एक हमदर्दी की लहर पैदा हुई है। इस लहर को वोट में तब्दील करना लाजमी है,
ख्वातीन पर होने वाले मजालम को हाईलाइट करना और ख्वातीन इनके साथ खड़े होने की बार बार दरख्वास्त करना बहुत जरूरी है। और आखिर में जो सबसे अहम तरीन किरदार है वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अहम तरीन किरदार है। ये बात तय है, अभी इसके ऊपर यूनानिमस ये फैसला है, ये तय है कि इस मुल्क के तमाम मसाइल फौज के पैदा करते हैं या फौज के जो बगल बच्चे आए हैं उन्होंने पैदा किए। फौज का वापस आईनी हदूद में जाना इस मुल्क की तरक्की के लिए नागुजीर है, इसके अंदर कोई दो राय अब नहीं है। हम जितनी मर्जी तनकीद कर लें, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फर्ज है कि वो नाम ले लेकर और वाजे तौर पर कंपनी को नंगा करें, इनके सियासी किरदार के खात्मे का मुतालबा करें बैन अल-अक़वामी फोरम्स पे, डोमेस्टिक फोरम्स के ऊपर। दूसरा अहम तरीन किरदार ये है कि हर शख्स, हर ओवरसीज पाकिस्तानी 10-10 वोट की जिम्मेदारी ले ले। वो 10 वोट जो घर बैठने थे या किसी धड़े बरादरी के असर नून लीग या पीपल पार्टी के खाते में जाने थे, हर शख्स 10 गैर यकीनी वोटों को इमरान खान के हक में यकीनी बनाना है। हर शख्स ने, ओवरसीज पाकिस्तानी ने फोन करके उन्हें कायल करें, उनसे दरखास्त करें, आपसे इतनी चीजें वो मांगते हैं, सारा साल जो है वो आपसे दरखास्तें करते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे आपके जो है आपने सोने की कानें खुली नहीं है, यहाँ पे मेहनत मजदूरियां करके आप लोगों के जो है तोहफे ताहे पूरे करते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे फोन लेके उधर भेज देते हो, खुद अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर लेते हो, सारे काम उनके करते हो, तो फिर आपकी खातिर वोट नहीं वो देंगे यार, क्यों नहीं देंगे? तो 10-10 बंदे की जो गारंटी है वो आपको लेनी है, 10-10 बंदा जो है उसकी आप गारंटी लें और 10-10 बंदे की आप जिम्मेदारी उठाएं और इस काम को तोड़ पहुंचाएं, हमारी जुबान में कहते हैं तोड़ पहुंचाएं, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं आप लोगों से, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।